अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ पाइन एप्पल केक। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो व्यूअर्स, केक बनाने के लिए सबसे पहले एक बाउल में हम लेंगे 1 कप पिसी हुई चीनी और इसमें 1 कप ऑयल डालेंगे। अब मैं इसमें 1 कप ऑयल डाल रही हूँ। तो व्यूअर्स, मैंने चीनी और ऑयल डाल दिया, अब इसको बीट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने कर लिया चीनी को और ऑयल को अच्छे तरीके से बीट। और अब इसमें डालेंगे अंडे, 3 मैंने लिए हैं अंडे, और ये एक एक करके इसमें शामिल करेंगे और फिर इसको बीट करते जाएंगे। पहले मैंने एक ऐड किया है, इसको बीट करेंगे। अब दूसरा अंडा, और अब ये जो लास्ट रह गया था। तीनों अंडे मैंने एक एक करके शामिल किए हैं, अब इसको बीट करेंगे अच्छे तरीके से। ये देखिए इस तरह से मिक्सचर बन जाएगा। तो व्यूअर्स, यहाँ पे मैंने लिया है मैदा, 1.5 कप मैदा लिया है और इसमें मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर का। और मैं आपको बताती चलूँ कि मैदा जो है इसको मैंने छाना है, इसको 2 बार मैंने छान लिया था। बेकिंग पाउडर को मिक्स कर लेंगे इसमें, और अब ये सारा जो है बेकिंग पाउडर ये आपने डाल देना है अंडे, ऑयल और चीनी के मिक्सचर में। अब इसको या तो आप फोल्ड कर लें या बीट कर लें, दोनों तरीक़ों से केक बहुत अच्छा बनता है। मैं इसको बीट कर रही हूँ। लो स्पीड पे आपने इसको बीट करना है। तो यहाँ पे केक का मिक्सचर तैयार हो गया है। आपने देखा है कि ये मैंने इसको बीट कर लिया था मैदे को डाल के, और ये इसकी कंसिस्टेंसी है। अब इसको हम केक टिन में डालेंगे, जो कि मैंने लिया है 1 पाउंड का केक टिन। इसको मैंने ऑयल से ग्रीस किया था और फिर मैंने इसको मैदे से डस्ट कर लिया है। इससे ये होगा कि आपका केक जो है वो चिपकेगा नहीं। तो अब ये जो मिक्सचर बनाया था इसको डालते हैं केक टिन में। तो व्यूअर्स, केक मिक्सचर को मैंने निकाल लिया है यहाँ पे केक टिन में, और अब मैं इसको प्रेशर कुकर में बेक कर रही हूँ। आप चाहें तो इसको ओवन में भी बेक कर सकते हैं। आप प्रीहीट कर लें ओवन को पहले 15 मिनट के लिए, और फिर 40-45 मिनट्स के लिए आपने बेक करना है 180 डिग्री पे। लेकिन मैं इसको भी डाल रही हूँ प्रेशर कुकर में। प्रेशर कुकर को मैंने प्रीहीट किया था, 10 मिनट पहले मैंने फ्लेम ऑन कर दिया था इसका, और बीच में मैंने एक बाउल रखा, आप रैक भी रख सकते हैं। और ये केक का मिक्सचर अब इसमें रख रहे हैं, मैंने रख दिया इसमें केक का सांचा। अब इसको कवर कर देते हैं। आपने इसको बंद करना है प्रेशर कुकर को, और ऊपर विसल भी रख देनी है। तो व्यूअर्स, 45 मिनट्स हो गए हैं और हमारा केक भी डन हो चुका है। काफ़ी अच्छे से फूला भी है। इसको चेक करेंगे स्क्वायर से, और अगर आपका जो स्कीवर अब बिल्कुल अगर क्लियर आता है तो इट मींस कि आपका केक डन हो चुका है। अब इसको निकाल लेते हैं बहुत ही एहतियात के साथ। तो व्यूअर्स, यहाँ पे मैंने केक को निकाल लिया है। अब नाइफ की मदद से इसके किनारों को अलग कर लें। एकदम से मत निकालें क्योंकि फिर वो टूटने का खतरा हो सकता है। तो बस आपने जो है ना नाइफ से इसको साइड से अलग। तो व्यूअर्स, केक को मैंने रखे हैं 5 से 10 मिनट के लिए, ठंडा हो गया। अब इसको निकाल लेते हैं प्लेट में। तो व्यूअर्स, आपने देखा कि मैंने केक को निकाला है, और अब इसको हम लोगों ने कट करना है। इसको बीच में से काटेंगे। केक को मैंने काट लिया है, अब इसको दूसरी प्लेट में रखते हैं। और अंदर से ये भी गर्म है, इसकी आइसिंग तब होगी जब ये बिल्कुल ठंडा हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे मैंने 2 जगह केक को कर लिया है। अब 5-10 मिनट के लिए इसको रखेंगे और मज़ीद, ताकि ये ठंडा हो जाए, तो फिर इसकी आइसिंग करते हैं। तो व्यूअर्स, केक ठंडा हो चुका है, अब इसकी आइसिंग करनी है। तो मैंने ली है विप क्रीम,
तो सबसे पहले जो एक हमने किया था हाफ केक, इस पे विप क्रीम लगाएंगे। तो केक के एक हिस्से पे मैंने क्रीम लगा ली है। अब इस पे पाइनएप्पल चंक्स मैंने लिए हुए हैं, ये रखेंगे। अंदर वाले हिस्से पे छोटे छोटे स्लाइस काट के डालने हैं, तो यहाँ पे मैं इसको काट के डाल रही हूँ। ये पूरे केक पे आपने इसी तरह से इनको फैला लेना है। तो यहाँ पे मैंने इसके ऊपर पाइनएप्पल डाल दिया। व्यूअर्स, मैं इस पे जो है ना पाइनएप्पल सिरप डालना भूल गई थी, तो पहले आप लोगों ने वो डालना है, फिर क्रीम और फिर इसके ऊपर पाइनएप्पल। तो अब ये जो दूसरा पार्ट है केक का, ये इसके ऊपर रखेंगे, इसको प्रेस करेंगे और अब इस पे पाइनएप्पल सिरप, जो कि आपने पहले उस पे भी डालना है, अब इस पे डालेंगे। तो ये और सिरप मैंने इसमें डाल दिया है। अब जो बाकी की क्रीम थी विप की भी, उससे आपने पूरे केक को कवर करना है। तो व्यूअर्स, तैयार हो गया मज़ेदार पाइनएप्पल केक। तो मैंने इसको डेकोरेट किया है पाइनएप्पल के साथ और थोड़ी सी चॉकलेट बीच में लगाई थी, चॉकलेट स्प्रेड, और फिर ऊपर पाइनएप्पल रख दिए हैं। आप अपनी मर्ज़ी के साथ जैसे भी आपको पसंद हो आप इसको डेकोरेट कर सकते हैं। तो अभी मैं इसको काट के दिखाती हूँ और इसको सेट होने के लिए फ्रिज में रख दें 5 या 10 मिनट के लिए, तो फिर आप इसकी कटिंग करेंगे। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कैसा बना है। ये देखें कितना सॉफ्ट है और बहुत मज़े का है। इसको आप इंजॉय करें अपनी फैमिली के साथ, बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।